रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो गुड मॉर्निंग, मैं आपके सामने हाजिर हूँ मनोज सैनी करंट अफेयर्स की क्लास लेके। तो देखिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी इस चैनल पे मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आखिर तक बने रहिए। और यदि आप इसकी टेलीग्राम पे यदि पीडीएफ पाना चाहते हो और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की क्यूज करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, उनसे पहले आपको लगाना होगा डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आज है चार तारीख 4 जुलाई 2023 और करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ स्टडी जीके भी मिल रहा है। उनसे पहले हम जो मैंने कल क्लास ली थी 3 तारीख को उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए रिवीजन लास्ट क्लास का कर लेते हैं एक बार ताकि आपको वापस रिकॉल हो सके। तो देखिए कल हमने क्वेश्चन लिया था उसका हम वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर ये लेकर आ रहे हैं कि विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो आपको पता होगा मैंने कल बताया था 700 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक के द्वारा श्रीलंका को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऋण के रूप में दिया है। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। तो पुरुष जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है वो 16वां स्थान पर है और ये अभी तक फर्स्ट बार हुआ है जब भारतीय फुटबॉल टीम फर्स्ट स्थान पर आई है। किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो वन टैप और वन ट्री अभियान की शुरुआत कौन कर रहा है, तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है अजय भटनागर को। किसे किया गया है? अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कल का जो क्वेश्चन था न्यूयॉर्क के जो कोनेरगी कॉरपोरेशन की ग्रेड इमिग्रेटेंट सूची के अंदर किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है। तो वो किया गया है वर्ल्ड बैंक के अजय बंका को। किसे किया गया है? वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंका, उनको शामिल किया गया है। ऐसे कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती है। तो ये जीत लिए हमारे प्यारे भारत ने ऐसे कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। लोजेन डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसे जीता है? नीरज चोपड़ा द्वारा जीत लिया गया है। जगन्ना अम्मा बॉडी योजना किस राज्य से ने शुरू की है। तो वो किए हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। मैंने कल बताया था जिसके भी आगे जगन्ना नाम आ जाए तो आपको सीधा क्या करना है, आंध्र प्रदेश उसको टिक करना है। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा। ये बन गया है न्यूजीलैंड। कौन सा देश बन गया है? न्यूजीलैंड। कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के उसका नाम कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारम्भ किया है। तो देखिए साथियों सिकल सेल जो एनीमिया है उसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के सहोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारम्भ किया गया है। और ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया है उसके उन्मूलन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल जो रोग होता है उसके उत्पन्न होने की चुनौती का समाधान करना है। और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन को 17 राज्यों के साथ 278 जिलों में लागू किया गया। चलते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। तो कहाँ पे खोजा गया है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। और ओडिशा के अंदर ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की ने सुंदरगढ़ जो गढ़ वन्य प्रभाग के कन्निका रेंज है उसमें स्थित नेचुरल आर्क स्थित हैं, और इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल के अंदर हुई थी। और GSI की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। यदि ऐसा किया जाए, यदि इसको नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग बनाया जाए तो ये देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया है? तो किस में हो गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, HDFC के अंदर इसका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय हो चुका है। और देखिए HDFC बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अपने साथ विलय की घोषणा की है, और 7 जुलाई 2023 से HDFC लिमिटेड के सभी वाणिज्य कागजात HDFC बैंक के नाम से स्थानांतरित किए गए हैं किए जाएंगे, और इसके 42 जो नए शेयर मिलेंगे, जो 25 शेयरों के HDFC को 42 शेयर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 1,00,000 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले जो भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है, वो बन गई है इंडिगो एयरलाइंस। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइंस ने, भारतीय जो एयरलाइंस है उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है। और इंडिगो की पेरेंट्स कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का 1,00,000 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन चुकी है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर, और ये सबसे कम लागत के अंदर ये लागत वाली एयरलाइंस है, जो कौन सी? इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। और बात करें तो पूरे विश्व के अंदर ये 10वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है मेरी कॉम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरी कॉम को किया गया है महिला मुक्केबाजी ओलंपिक पदक विजेता मेरी कॉम को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर के रूप में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अजित पवार जी ने ली है। तो देखिए ये किस पार्टी से हैं? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस पहले से ही उसके उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं, और उप मुख्यमंत्री 2 बन गए हैं, अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सिंह और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। देखिए गुजरात के जो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पे पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्य जो परिचालन के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत को सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अंदर सोलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तुषार मेहता। किसे किया गया है? तुषार मेहता जी को किया गया है। तुषार मेहता जी 2018 में 2 साल के लिए भारत का सोलिसिटर जनरल बने थे, लेकिन जब दो साल पूरे हो गए 2020 के अंदर तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, और अब की बार इसका इनका तीसरी बार एक्सटेंशन देते हुए कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय ने टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजारी मल्लिकार्जुन। कौन? क्या हो जाएगा? जो मेजारी मल्लिकार्जुन है उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है टाइपिंग के अंदर, और उन्होंने 1 से 50 तक का टाइप करने में केवल 13.16 सेकेंड का समय लिया है। ठीक है, गिनती टाइप की। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे, जॉन बेरनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया ने किसका आविष्कार किया था? तो आप सभी को पता होगा नोबेल पुरस्कार 2019 इनको दिया गया विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया था इनको
रसायन के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपको कल दिया था, तो उसका मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दिया होगा। तो देखिए, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क जो नेटवर्क के निर्माण के अंदर भारत किसे पीछे छोड़ दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर मैं आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दोगे। तो हाल ही में किस राज्य के अमरोहा डोलक को जीआई टैग मिला है, तो किसे मिला है अमरोहा डोलक का जीआई टैग, तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए जोश नए जुनून के साथ शाम वाली सीआरपीएफ का रिवीजन करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।